स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम 12th क्लास के पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो में यदि आपको कुछ नया चीज सीखने का मौका मिला तो जरूर आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना 12th का पहला यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए 12th का जो पहला यूनिट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसको आप बोर्ड के व्यू से और जो आपका कंपटीशन एग्जाम होता है दोनों के व्यू से देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए यह मात्र 8 नंबर का यूनिट है, लेकिन जैसे हम लोग कंपटीशन एग्जाम के व्यू से जब इसको देखेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में इससे जो है अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग अब यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत। देखिए जब भी आपके सामने कोई टॉपिक आए तो सबसे पहला काम स्टूडेंट का यही होना चाहिए कि उस टॉपिक के नाम का पहले वह विश्लेषण करे, यानी वह टॉपिक आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है या जो नाम है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक वर्ड है आपका इलेक्ट्रो, एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है हमारा एस्थेटिक्स, दूसरा वर्ड है एस्थेटिक्स। देखिए इलेक्ट्रो जो वर्ड है इसका मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, जिसे हम हिंदी में आवेश कहते हैं, और एस्थेटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, यानी इसे हम हिंदी में विराम कहते हैं। देखिए यानी अगर हम इसके नाम का विश्लेषण करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना हुआ है, जहां इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी हमको ये समझ में आया कि इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमको किसके बारे में पढ़ाई करनी है, चार्ज के बारे में, और कैसा चार्ज, वह चार्ज जो क्या हो रेस्ट में हो। यानी हम इसमें चार्ज के बारे में पढ़ाई तो करेंगे लेकिन वह चार्ज क्या हो रेस्ट में हो। देखिए एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में होता है, अक्सर यह कंफ्यूजन जो है बच्चों के बीच में पाया जाता है कि इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज कैसे हो गया। तो इसके लिए जो है आप एक छोटा सा कहानी सुनेंगे। यह बात है लगभग आपको 600 बीसी पहले का। 600 बीसी पहले एक साइंटिस्ट थे थेल्स। देखिए थेल्स के साथ एक बड़ा ही रोचक घटना हुआ। पहले के समय में लगभग 600 बीसी पहले की बात है तो जाहिर सी बात है आप लोग भी इस चीज को समझते होंगे कि पहले जो है इतना यातायात का साधन डेवलप नहीं था। हमारे चलने के लिए जो है प्लेन, ट्रेन, बस, ये सब चीज उस समय उपलब्ध नहीं थी, और ज्यादातर जगहों पर जो है पानी था तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते थे। तो थेल्स के साथ एक घटना हुआ, थोड़ा उसको उसके विषय में हम लोग जानते हैं। थेल्स जो है कुछ लोगों के साथ जो है नाव से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, और थेल्स के हाथ में एक जो है बिल्ली थी, और एक बगल में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के हाथ में एक पीला वस्तु था। जब सब लोग नाव जब अपने स्थान पे पहुंचा और सब लोग जब नाव से उतरना शुरू किए तो थेल्स के हाथ में जो बिल्ली थी वह उस पीले वस्तु के साथ रगड़ाई। तो लोगों ने देखा कि यह बिल्ली का जो खाल है उसके साथ उस पीले वस्तु का जो है आकर्षण हुआ। तो जाहिर सी बात है थेल्स जो थे पढ़े लिखे लोग थे, तो उस नाव पर जो बाकी लोग थे उन्होंने थेल्स से इसका कारण पूछा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। तो थेल्स ने उनको समझाया कि इसके पीछे जो कारण है वह है इलेक्ट्रो। यानी थेल्स ने इस घटना का क्या नाम दिया, इलेक्ट्रो नाम दिया। इसका मतलब आप लोग थोड़ा समझेंगे। देखिए थेल्स ने इस घटना का नाम इलेक्ट्रो क्यों दिया, क्योंकि वह जो पीला वस्तु था उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रो था। अब आइए आप 1600 ईस्वी में, अब हम जो बात कर रहे हैं वह 1600 ईस्वी का बात कर रहे हैं। यह सेम घटना डॉक्टर गिलबर्ट के साथ हुआ, डॉक्टर गिलबर्ट। देखिए थोड़ा सा हम आपको डॉक्टर गिलबर्ट के बारे में समझा देते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट जो थे वह इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और महारानी एलिजाबेथ के या फैमिली डॉक्टर थे। सेम यही घटना जब डॉक्टर गिलबर्ट के साथ हुआ और लोगों ने जो है डॉक्टर साहब से जब इसका कारण पूछा तो डॉक्टर साहब ने इसका कारण बताया कि यह हो रहा है चार्ज के वजह से, या किसके वजह से हो रहा है, चार्ज के वजह से। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये घटना 600 बीसी पहले की है और इसका नाम क्या दिया गया घटना का, इलेक्ट्रो,
और ये घटना 1600 ईस्वी का है और इसका नाम क्या दिया गया, चार्ज। यानी ये घटना आपको ग्रीक देश का है और ये घटना कहाँ का है, इंग्लैंड का है। यानी जो घटना आपको ग्रीक देश में इलेक्ट्रो के नाम से जाना गया, वही हमारे यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है, चार्ज के नाम से। इसलिए उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज कहना शुरू कर दिया। यानी अब इस इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, चार्ज। और एस्टेटिक का मतलब तो आपको पता ही है, एस्टेटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। यानी कुल मिलाकर के अगर इस यूनिट वन का हम बात करें तो इलेक्ट्रो एस्टेटिक्स में हमें चार्ज के विषय में पढ़ना है, और वह कैसा चार्ज होना चाहिए, एस्टेटिक चार्ज यानी रेस्ट में होना चाहिए। देखिए अब बारी आई इसके डिफिनेशन को बनाने की। तो सबसे पहला नंबर चीज, डिफिनेशन जो है वह कहीं अलग से नहीं आता है, जो बात हम और आप इस टॉपिक में समझते हैं उसी बातों को इकट्ठा करके जब उसका एक लैंग्वेज तैयार किया जाता है वो उसका परिभाषा बन जाता है। तो देखिए इसमें हम सीखे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं। तो फिजिक्स का यह ब्रांच हुआ, और इस फिजिक्स के ब्रांच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वह दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और एस्टेटिक। तो हम ऐसा कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंदर हमें चार्ज के विषय में पढ़ाई करनी है, और वह भी कैसा चार्ज, जो रेस्ट में हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग भी इसको जो है नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रो एस्टेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट इन विच वी डील्स अबाउट स्टैटिक स्टैटिक चार्जेज एंड इट्स फेनोमेनन्स। देखिए इसमें दो वर्ड आपको जो है थोड़ा परेशान कर सकता है, एक वर्ड यहाँ डिल्स है जिसका मतलब होता है वर्णन करना, चर्चा करना, और एक वर्ड यहाँ है फेनोमेनन्स, इसका मतलब होता है घटनाएं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टैटिक चार्ज और उससे होने वाली घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। अब इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, स्थिर वैद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हमें स्थिर आवेश एवं उससे होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना होता है। देखिए ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वह अपने पीछे वाले टॉपिक से ही जुड़ा होता है। तो थोड़ा हम समझना या हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन विच वी डील्स अबाउट एस्टेटिक चार्जेज। ये जो है आपका एक नया वर्ड आया, एस्टेटिक चार्जेज। यानी अब हमें इस टॉपिक में सीखना है चार्ज क्या है और फिर वह एस्टेटिक कब होगा। तो अब हमारा जो अगला वीडियो बनेगा वह बनेगा चार्ज के विषय में, और फिर उसके बाद जब हम चार्ज के विषय में सीख लेंगे तब तो हम जानेंगे कि यह एस्टेटिक कब होता है और मूविंग कब होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।